हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से आज मार्केट रिएक्ट करने वाला है और उस भी आप पे हम कैसे आज की बी बिल्डिंग कर सकते हैं। नए लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, हम रेगुलर विषय अपडेट रहते हैं। सीधे हम आ गए हैं चार्ट पे। चार्ट की स्टडी हम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, डॉलर इंडेक्स 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप देख रहे हो, एक रेजिस्टेंस लेवल जो 104 के आसपास बना हुआ था उसके आसपास ये कंटिन्यू हिट करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ की तेज़ी रहती है, अभी ये स्टडी मूव पे कर रहा है, जो 22 की स्टार्टिंग हुई है एक रैली के बाद मार्केट रेंज बना रहा है। अगर ये रेंज यहाँ बनती रहती है उसके बाद में मार्केट डिसाइड करता है कि क्या इसमें करने वाला है, तो सबसे पहले नीचे सपोर्ट लेवल 103.84 का रहेगा, उसके बाद में फिर इसके लिए 0.2 के नीचे ये सपोर्ट देखने को मिल सकता है। हायर साइड में मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग हो चुका है। अब जब ये 104 के ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, फिर इसमें थोड़ा सा नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ हम जाने की कोशिश कर सकते हैं। अदरवाइज आज के जो यहाँ पे सेशन है, फिलहाल फर्स्ट हाफ के लिए अगर रेंज में रहता है, ज़्यादा बेटर बुक आने वाले दिन में करने की कोशिश करेगा। पॉजिटिव कंडीशन क्या है, पॉजिटिव जो डॉलर इंडेक्स है उसके कंपेरिजन में गोल्ड एक अच्छी तेज़ी के साथ में बना हुआ है। सपोर्ट लेवल अगर कल आपने देखा होगा और जो हमने ओवरऑल डिस्कशन किया था, जो 27-29 का लेवल है ये इम्पोर्टेंट इसके लिए सपोर्ट था। एक गिरावट होती है सेकेंड हाफ में और उसके बाद में सपोर्ट इसी लेवल के आसपास लेता है, ये कल हमने मार करके रखा हुआ था। दोबारा से एक मार्केट रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है और उसके लिए 27-29 से लेके 27-50 तक का ये जो रेंज है ये इसके लिए आज का प्लेग्राउंड रहने वाला, इसी बीच में इसको ट्रेवल करना चाहिए। फिलहाल अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर 27-20 के आसपास पॉसिबिलिटी बनाएगा और फिर इसके बाद 27 की तरफ अप्रोच करता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि अभी मार्केट में जो ट्रेंड है और एक्सपेक्टेशन है उसके भी आप में एक अच्छा पॉसिबिलिटी बन रही है कि मार्केट अगर हाई साइड मूव नहीं करता तो एक रेंज में 2750 से लेके 2729-30 इसके बीच में ये ट्रैवल करने की कोशिश करेगा। 4 आवर में अगर आप देखते हो तो ये जो गिरावट थी सेकेंड हाफ की, उसको इसने रिकवर करने की कोशिश कर रहा है धीरे धीरे, तो यहाँ पे एक कंडीशन अच्छा मार्केट के लिए शो हो रहा है। MCX को अगर हम देखते हैं, गोल्ड को, तो MCX गोल्ड ऑलरेडी एक ट्रेंडिंग मार्केट में बनता हुआ जा रहा है। एक इसने गैप क्रिएट किया था कल की ओपनिंग के बाद में, तो ये गैप इसके लिए सबसे पहले और इम्पोर्टेंट सपोर्ट काम करेगा, जो कि 27,256 से लेके 27,000 तक का रेंज हो सकता है। ये 200 पॉइंट है इम्पोर्टेंट इसके लिए, सपोर्ट के लिए वर्क करेगा, तो इसको आपको एज ए सपोर्ट देखना पड़ेगा। यहाँ पे मार्केट के लिए हायर साइड में जब भी निकलता है, हमें अपने रिस्क रिवार्ड में जहाँ भी मार्केट रेंज बनाया उस भी आप पे हमें एक स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाना पड़ता है। कल हमने सेकेंड हाफ में देखा था कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग हो चुका है, तो उसमें हम थोड़ा वेट एंड वॉच करने वाले थे। अब सेकेंड हाफ यहाँ पे आप देख रहे हो तो हम एक अच्छे रेंज के बाद मार्केट थोड़ा इंगल्फ किया है। इंगल्फ का अगर फॉलोअप आता है तो ये लगभग 200-300 पॉइंट इजी वे से इस रेंज में आने की कोशिश करेगा और उसके बाद में नेक्स्ट फॉलोअप के लिए रेडी होगा। इसके साथ में अगर कॉमेक्स की हम बात कर लेते हैं, तो कॉमेक्स ऑलरेडी एक ट्रेंडिंग मार्केट में बना रखा है। ट्रेंडिंग मार्केट होने के साथ में 18 से ही जो स्टार्टिंग हुई थी उसके बाद में मंडे को एक रेंज में बना रहा है। 22 है आज और आज भी आप देख रहे हैं तो एक मार्केट जो इसने लो की तरफ क्लोज किया था वहां से एक स्टडी मूव करने की कोशिश कर रहा है। ऑलरेडी ये ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है और ये रेंज अगर इसके लिए ब्रेक करती है, जो कि ऑलरेडी इसने मल्टीपल टाइम हिट कर रखा है, तो फिर हमें बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। जब तक इस रेंज के नीचे नहीं निकलता है, अगर आप बहुत ज़्यादा सेफ साइड जाना चाह रहे हैं, 33.5 का यहाँ पे आप वॉच कर सकते हैं, इंडियन मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं। अगर यहाँ तक भी आता है तो भी मार्केट में एक स्टडी मूव रह सकती है, लेकिन इससे नीचे फिर मार्केट में गिरावट की एक्सपेक्टेशन हम रखेंगे। डेली में अगर आप देख रहे हो तो डेली में मार्केट ने जो रैली स्टार्ट किया था उसका फॉलोअप ही अभी चल रहा है, गैप अप किया था, उसके बाद में ऐसा कुछ कंडीशन नहीं बनाया है कि मार्केट में अभी नेगेटिव जाने की चांसेस बन रहे हैं। जब तक ये दोबारा से ये ब्लैक लाइन है 33.785 के आसपास से लेके 33
3.5 तक का ये इम्पोर्टेंट जोन इसके लिए रहने वाला है। जब तक इसके आसपास बना रहेगा मार्केट वाइज ज़्यादा गिरावट के चांसेस नहीं बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑलरेडी इंडियन मार्केट की बात कर लेते हैं तो ये 98,000 से ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया है और ये सारे जो लेवल थे अब ये सारे एज ए सपोर्ट वर्क करने वाले हैं। तो मेजर कंडीशन यहाँ पे जो है मार्केट एक सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अगर ये सपोर्ट लेवल वर्क करता है तो फिर इसमें बड़ी तेजी आने वाले टाइम पे भी आपको देखने को मिल सकती है। अगर आज ये डाउन साइड भी आता है तो ये रेंज जो इसका गैप डाउन गैप अप किया है ये इसको रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा कैपेबल लग रहा है। इसी के आसपास मार्केट रोकने की कोशिश करेगा। जो 97,200 के आसपास ये बना हुआ है इसके बाद में अगर पूरे दिन का रेंज आप देखते हो तो मार्केट ने एक इंगल्फ किया था लेकिन फॉलोअप इसका नहीं आया। ये फॉलोअप अगर इसके इनसाइड में आने की कोशिश करता तो दोबारा से एक गिरावट के चांसेस बनते हैं। तो हमें कन्फर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जाना होगा। कन्फर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हो तो ये जो सेकेंड हाफ में दो कैंडल गिरावट रही है सपोर्ट लिया है इसके आसपास फिर दोबारा से मार्केट आएगा और इसको ब्रेक करता है तो एक डाउन साइड का पॉसिबिलिटी बन सकती है आपके लिए। लेकिन मेजर ट्रेंड की अगर बात कर लेते हैं तो रेजिस्टेंस लेवल इसके लिए जो हाई लगा है 98,000 का बना हुआ है। अगर ये भी यहाँ पे क्लोज कर देता है 97,000 से ऊपर लेके तो फिर आपको मार्केट और अच्छे मूव में देखने को मिल सकता है जैसी पॉसिबिलिटी बनती हुई देखने को मिल रही है। सिमिलर टाइप से अगर आप कॉमेक्स के साथ में MCX को जैसा हमने देखा माइक्रो को अगर देखने की कोशिश करते हैं तो सिमिलर टाइप से इसमें भी फॉर्मेशन बनी हुई है। रेंज जो थी ऑलरेडी ये जो सपोर्ट लेवल बना हुआ था ये रेंज का फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। इसकी क्लोजिंग 97,155 के आसपास हुई है। अगर इस क्लोजिंग के बाद भी अगर गिरावट रहती या रेंज बाउंड रहता तो ये इम्पोर्टेंट रेंज इसके लिए काम करने वाला है। ट्रेंड लाइन को ऑलरेडी ये रिस्पेक्ट करके आया हुआ है। ये ट्रेंड लाइन काफ़ी पुरानी है आप जाके बैक साइड में देख सकते हैं। हम रेगुलर इसमें वॉच करते रहते हैं तो आज की पॉसिबिलिटी जो रहेगी मार्केट में स्लो मूव करें ज़्यादा बेटर मूव हो सकता है। बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हायर साइड की पॉसिबिलिटी नहीं है लेकिन कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट बनता है तो एक आपको प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 4 आवर में भी एक रेंज का फॉर्मेशन है फॉलोअप नहीं आया। फॉलोअप आता है तो फिर हमें गिरावट की तरफ जाने के चांसेस बनेंगे। फिलहाल के लिए जो इसने 95,200 के आसपास ये रेंज बनाई थी इसके बाद एक गैप अप किया है। गैप अप बहुत अच्छा है इसको हम प्राइजिंग विंडो भी बोल सकते हैं। ब्रेकआउट हुआ है अब इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर ही रहती तभी पॉजिटिवनेस बना रहेगा। अगर नीचे आती है तो आपको दोबारा से रीस्टडी करना पड़ेगा कि मार्केट में कैसे हम रिएक्ट कर सकते हैं। फिलहाल गैप अप गैप डाउन में मार्केट में तो हम स्टडी मूव करेंगे। जब ये कन्फर्मेशन दे देगा फिर हम इसमें एंट्री का प्लान करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग और हैप्पी लर्निंग। आज भी एक रेंज का फॉर्मेशन मार्केट करने की कोशिश करेगा। थैंक यू।